वालों को, जूते मारो सालों को, अस्पताल प्रबंधन मुर्दाबाद, 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 अस्पताल प्रबंधन मुर्दाबाद, 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 बेचो दलाल है, दलाल है, सीए बेचो मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सत्ता के दलालों को, जूते मारो सालों को, सत्ता के दलाल, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अस्पताल की व्यवस्था है, दूर करो, दूर करो, अस्पताल की व्यवस्था है, दूर करो, दूर करो, अस्पताल की व्यवस्था है, दूर करो, दूर करो, दलालों को, सत्ता के दलालों को, जूते मारो सालों को, चोर है, चोर है, चोर है, डाकू है, भैया है, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को, जूते मारो सालों को, सीए में चो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीए में चो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हम अपना चोर है, चोर है, चोर है, सीए में चो चोर है, चोर है, चोर है, अस्पताल में है, यहाँ पर खाना ठीक ढंग से नहीं बट रहा है, डॉक्टरों की कमी है, इन सब को लेके, उन सब मामलों को लेके आज हम आपको एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर अस्पताल प्रबंधन इसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर अस्पताल प्रबंधन 15 दिन के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूरी में होके हम लोगों को इस अस्पताल का दोबारा घेराव करना पड़ेगा, मरीजों को असुविधा ना हो इसलिए हम लोग अंदर जाना नहीं चाहते। पर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली कार्रवाई में जो संबंधित लोग इसके लिए जवाबदार होंगे उनका मुंह काला करने का काम। ये कांग्रेस जन देखा नहीं जाता है, आपके माध्यम से भी पुनः कलेक्टर साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्थानीय विधायक जी से अनुरोध है कि अगर उन लोगों ने इस हॉस्पिटल को अपनी भावनाओं के अनुरूप बनाया है तो कृपया कर वो बीच बीच में विजिट कर ये बात को भी देखें कि जो मरीज हैं जो गांव देहातों से आके एक लंबी कतार के साथ एक पर्ची के लिए घंटों कबड्डी खेलते हैं, ये मतलब आम जनता के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, जिला चिकित्सालय अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शिवा युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सारे इन सामने संगठनों ने मिलकर इनकी अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इनको 6 सूत्री ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मुख्य रूप से मांग की है कि जो यहाँ पे मरीज हैं भर्ती होने आते हैं और बड़ी आशा से आते हैं कि यहाँ पे निःशुल्क इलाज मिलेगा, पर अस्पताल में आते हैं तो उनको पर्ची लिख के दे दी जाती है कि ये दवाइयाँ आप बाहर से लाइए। अभी बीमारियों का सीजन आ रहा है, अस्पताल में पलंग की उपलब्धता नहीं है, लोगों से कहा जाता है इलाज कराना है तो आप जमीन पर लेट के अपना इलाज कराइए, नहीं तो यहाँ पर और व्यवस्थाएँ नहीं है आपके। जमा कर दो मिर्ची कर दो ये सबके लिए हाँ डेली भी आती।
देखिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो महिला कांग्रेस शोभा ओझा जी, उनके निर्देशानुसार और हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की मांडवी चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश में और पूरे प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और इस मुहिम में हमारी महिला कांग्रेस के साथ साथ सभी सामाजिक लोग और साथ में डॉक्टर्स और नेता सभी इसमें शामिल होंगे और ये मुहिम 21 मई से लेकर 21 जून तक चलेगी। और अगर हमारी मांगें सरकार पूरी नहीं करती है तो इसका आंदोलन और बड़ा मतलब रूप लेता जाएगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी इस आंदोलन को हम लोग चलाते रहेंगे। मतलब मिलना चाहिए उनका अधिकार, उसके लिए हमें शोभा ओझा ने हम लोग को निर्देश दिए हैं कि आप लोग मतलब समस्त शहर में सामान्य जनता भी हो उसका भी मतलब सहमति होना चाहिए कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज निकले हैं और सभी से हस्ताक्षर ले रहे हैं और इसमें हम लोग निश्चित ही कामयाब होंगे। आप लोग थोड़ी चेहरा से दूर रहो। बलालपुर के आम है टपरिया मन बेटे लौट रही थी। क्या हुआ? जिला वार्ड ने फिर पुल के आम है सामान्य पारी गाड़ी को फिर वार्ड ने थे
पलट गई गाड़ी को खत्म भाई में कौन है तुम्हारा कितने जने और घायल हुए छह सात जने और हम पटक जाने कितने लोग बैठे थे उसमें कितने लोग घायल घायल कितने हुए खत्म कौन हुआ एक ही परिवार के हैं सभी के महिलाएं भी थी क्या उसमें आज का जो अधिकतम तापमान 47.0 आया है न्यूनतम तापमान 28.5 बढ़ने की और संभावना है। बीते वर्षों में इस तरह का क्या तापमान रहा है जम्मू का? बीते वर्षों में 48 तक तापमान पहुंचा है। अभी और इस साल बढ़ने की संभावना है? बढ़ने की संभावना है।